मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ AMD ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस, लैमिंगटन रोड मुंबई में क्या चालू है। एक कंप्लीट वीडियो में देखेंगे सारे AMD कार्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 टू 7000 सीरीज, RG डिजिटल अलायंस लैमिंगटन रोड में क्या क्या प्राइसेस चालू है। सो गाइस, आज के कंप्लीट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट AMD ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 सीरीज टू 7000 सीरीज। तो कुछ भाई, कैसे हो आप? बस ओमकार भाई, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूं सर। एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सारे AMD ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस, जो पुराने भी है और लेटेस्ट लॉन्च भी हुए। तो क्या क्या रेंज है आपके पास AMD कार्ड्स के? अभी ये सब है ना, मैं आपको एक एक करके सारे ग्राफिक कार्ड की डिटेल्स, प्राइस, वो सब आपको एक एक करके बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले, RJ डिजिटल अलायंस कहाँ पे लोकेटेड है मुंबई में? अभी मेरे शॉप का नाम RJ डिजिटल अलायंस है, जो लोकेटेड है मुंबई लैमिंगटन रोड में। अगर आपको प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो आप गूगल पे RJ डिजिटल अलायंस सर्च करो, या फिर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो सर स्टार्ट कर दे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में आपके पास क्या क्या वेरियंट्स अवेलेबल है? अभी फर्स्ट जो हमारा ग्राफिक कार्ड है RX 550 है, जो सफायर ब्रांड का है, सफायर पल्स मॉडल है इसका, जो RX 550 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। सबसे रनिंग ग्राफिक कार्ड है, सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। अगर आपका बजट अंडर 30-40,000 है, आपको एक बेस्ट ग्राफिक चाहिए 4GB VRAM वाला, तो ये ग्राफिक कार्ड है। इसकी प्राइस की बात करूँ, ये आपको जाएगा 6600 विद GST के साथ। ये सारे ग्राफिक कार्ड की प्राइस में आपको विद GST आएगी, सब बॉक्स पैक सील पैक आएगी 3 ईयर्स बाय कंपनी वारंटी के साथ। ओके, आते हैं नेक्स्ट के ऊपर सर। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफिक है वो है RX 560, जो आसूस रॉक स्टिक्स का है, और ये भी 4GB VRAM के साथ है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको जाएगा 8500 का। ये भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक है, आपको कोडिंग, एडिटिंग, गेमिंग नॉर्मल करना है उसके लिए काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है ओमकार भाई। ओके, और देखने चाहिए ऐसे बजट पीसी बिल्ड्स, क्या रेंज तक हम लोग पीसी बिल्ड बना सकते हैं? अभी स्टार्टअप तो देखो, अगर वो i5 6 7 जनरेशन के पीसीस लोगे तो वो आपको 10-15 तक मिल जाते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर अच्छा सेटअप चाहिए तो 18,000 से स्टार्ट होगा, जो राइजन 3 का 3200G का बिल्ड होगा, जो GPU बिल्ड के साथ रहेगा, मीन्स इंटीग्रेटेड उसमें ग्राफिक आ जाएगा। अगर आपको 18,000 में अच्छा पीसी चाहिए, बॉक्स पैक वाला, मीन्स सब सील पैक बॉक्स पैक वाला, तो आपको 18,000 मिनिमम कॉस्ट जाएगा। ओके, आते हैं RX 570 में। अभी इसके बाद जो है अपना ASRock का RX 570 8GB VRAM वाला ग्राफिक, सबसे मीन्स अच्छा और सबसे सस्ता। आपको अगर 8GB वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक है। इसकी प्राइस की बात है 11,200, जो काफ़ी अच्छा है 8GB VRAM के साथ। और इसके बाद जो हमारा ग्राफिक कार्ड है, सफायर का 6500 XT ग्राफिक कार्ड है, ये भी 8GB VRAM के साथ है, और ये सिंगल फैन वाला है। अगर इसमें आपको ड्यूअल फैन वाला चाहिए तो ड्यूअल भी मिल जाएगा, जो ASRock में आएगा। ये भी 6500 XT वाला है 8GB, इसमें आपको सिंगल फैन आएगा और इसमें ड्यूअल फैन आएगा। इसकी प्राइस की बात करूँ, ये आपको जाएगा 14,750 का, और इसकी प्राइस है 15,650। दोनों काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड है। आपका अगर अंडर 50,000 एक अच्छा PC बिल्ड करना है, लिक्विड कूलर वगैरह अगर 240 कूलर के साथ करना है, तो ये ग्राफिक आप काफ़ी अच्छा आप यूज़ कर सकते हो उसके। ओके, अभी आते हैं मेन कार्ड जो बहुत पॉपुलर है AMD में, RX 6600। ये तो हुकुम का इक्का भी बोल सकते हो आप, जो ASRock का आएगा RX 6600 ग्राफिक है, चैलेंजर इसका मॉडल है, जो 8GB VRAM के साथ है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको जाएगा 18,800 विद GST बिल के साथ। अगर आपको ब्रांड वाइज ASRock के जगह आपको आसूस ब्रांड भी चाहिए तो आसूस में भी सेम अवेलेबल है, RX 6600 जो ड्यूअल फैन के साथ है, ये आपको जाएगा। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 20,650 का आएगा। इसमें आपको अगर जाना है तो सफायर का भी मिल जाता है, वो भी अराउंड 19,000 या 19,500 तक आ जाते हैं। ओके, ये तो हो गए सारे 6000 कार्ड, 6000 सीरीज पे। 6650 XT, 6700 XT, 6800, 6900 XT, ये कार्ड सर अभी अवेलेबल है? देखो, अभी मार्केट है, मार्केट में कोई कार्ड अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता है। अभी ये तो सारे जो मेरे पास रिसेंटली स्टॉक पड़ा था वो मैंने आपको बताया। अगर इसमें कोई ऐसी सीरीज है या ऐसा कोई ब्रांड है जो मेरे से स्किप हुआ हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं उसका भी आपको अच्छा प्राइस करवा के दूंगा। ओके, आते हैं अभी 7000 सीरीज पे। 7600 सर दिखने को नहीं मिल रहा, तो 7600 अभी अवेलेबल है कि नहीं है? रिसेंटली तो 7600 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर हाँ अगर आगे जाके आता है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक आपको शॉर्ट्स वीडियो में उसके जो जो ब्रांड्स अवेलेबल है उसका वो प्राइस और उसकी डिटेल बता दूंगा। ओके, पर एक अप्रोक्स प्राइस बता सकते हो, क्या रेंज से प्राइस चालू होता है उसका? अराउंड 22-23 लास्ट प्राइस था उसका। ओके, आते हैं 7600 XT पे। 7600 XT आपके पास क्या क्या ब्रांड्स? अभी इसमें जो मेरे पास अवेलेबल है, सफायर है,
आसूस का है और एसरोक का है, तीनों ब्रांड अवेलेबल है। अभी सफ़ायर में 7600 XT में पल्स वाला मॉडल अवेलेबल है, इसकी प्राइस की बात करूँ तो आपको जाएगा 32,450 का, काफ़ी प्रीमियम ग्राफिक कार्ड है, 16 GB वीरैम मिल जाएगा, बहुत अच्छा ग्राफिक है। इसके बाद अगर आपको OC एडिशन में जाना है तो आप आसूस में जा सकते हो, जो OC एडिशन के साथ है, 7600 XT है, ड्यूअल फैन के साथ है, इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये भी आपको सिमिलर 32,450 का है। और इसके बाद एसरोक का स्टील लेजेंड सीरीज़ है जो 3 फैन के साथ है, जिसमें आपको AI फ्यूचर भी दिया हुआ है, OC एडिशन है, 16 GB वीरैम के साथ है, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 33,000। ये सारे आपको अभी भी बता देता हूँ, सब ग्राफिक कार्ड विद GST के साथ है और सारे ग्राफिक कार्ड सील पैक यूनिट से, सील पैक बॉक्स पैक आपको एक एक का दिखा देता हूँ। अभी ये देखो आसूस ग्राफिक है तो उसकी सील ऐसी आती है जो कम्प्लीट सील पैक से। अभी एसरोक में आपको सील इधर नहीं दिखेगी, एसरोक के ग्राफिक कार्ड की सील आपको मिलेगी अंदर साइड जो कि ऐसी होगी, ओके। और सफायर की चाहिए तो सफायर की ऐसी सील आती है, देख लो, ओके। ये कंप्लीट सील पैक प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सबकी वारंटी बाय कंपनी से ही क्लेम होगी। तो कुछ भाई अभी आते हैं 7700 XT पे, बट 7700 XT पे आने से पहले बहुत लोग NVIDIA कार्ड्स के बारे में भी पूछते हैं, तो आपके पास NVIDIA कार्ड्स पे क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? अभी NVIDIA ग्राफिक कार्ड्स में भी मेरे पास 30 सीरीज हुई, 40 सीरीज हुई, लाइक 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 सुपर, 4070 Ti सुपर, सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप कोई भी ग्राफिक PC बिल्ड के साथ जाओगे तो उसके साथ आपको एसेसरीज भी फ्री मिलेगी, लाइक एक एयरबड्स मिलेगा, एक अल्ट्रा वॉच मिलेगी, एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिलेगा और एक फुल साइज़ वाला माउस पैड मिलेगा। अगर आप पूरा PC बिल्ड करते हो तो ये 4 आइटम आपको कंप्लीट फ्री मिलेगी। कोई भी PC हो, भले 20,000 की हो, 30,000 की हो या 1,00,000 की हो, कोई भी PC लो, ये आइटम आपको फ्री मिलेगा। तो आते हैं अभी अपन 7700 XT ग्राफिक में, इसमें 2 मॉडल अवेलेबल है सफायर में, एक है RX 7700 XT सफायर का पल्स एडिशन जो 12 GB वीरैम के साथ है। अभी आप बोलोगे 7600 XT में 16 है और इसमें 12 है, तो वो कूड़ा कोर्स इसमें ज़्यादा रह गए, तुम सोच रहे हो कि वो 16 GB है, ये 12 GB है, पर इसमें ग्राफिकल बीट्स, ग्राफिकल कूड़ा कोर्स वो सब इसमें ज़्यादा है, इसके लिए इसकी प्राइस भी हाई रहेगी। और इसकी प्राइस की बात करूँ, अगर पल्स एडिशन आप लेते हो तो ये जाएगा 39,500, और सेम में आप अगर प्योर एडिशन लेते हो सफायर का प्योर 7700 XT 12 GB OC एडिशन वाला, तो इसकी प्राइस है 41,300 का। इसके बाद आता है 7800 XT, इसमें भी अपने पास 2 मॉडल है, एक है प्योर और एक है नाइट्रो। अभी ये नाइट्रो सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रीमियम सीरीज़ का ग्राफिक है। अगर पहले बात करें सफायर प्योर RX 7800 XT की, जो 16 GB वीरैम के साथ है, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 48,400 का। इसके बाद अगर आप सफायर में नाइट्रो एडिशन आता है जो 7800 XT सेम है 16 GB वीरैम के साथ, इसकी प्राइस है 50,750 का। दोनों में आपको ग्राफिकल बीट्स, कूड़ा कोर, उसका डिफरेंस आएगा, ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। कुछ भाई अभी आते हैं 7900 GR यानी कि गोल्डन रैबिट एडिशन, तो ये जो कार्ड से ये अभी करंटली चल रहे हैं बट आते टाइम अभी डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, AMD ऑफिशियली इसको डिसकंटिन्यू करने वाला है, तो अभी ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स आपके पास क्या क्या वैराइटीज अवेलेबल है? अभी फिलहाल मेरे पास 3 मॉडल पड़ा है, जिसमें एक सफायर का प्योर है, एक सफायर का नाइट्रो और एक एसरोक का स्टील लेजेंड है। तो फर्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, 7900 GR में सफायर का प्योर है जो 16 GB वीरैम के साथ है, OC एडिशन वाला है, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 54,900 विद GST के साथ। इसके बाद जो सेकंड है वो एसरोक का स्टील लेजेंड है जो 7900 GR है, इसमें AI फ्यूचर भी मिल जाएगा, OC एडिशन के साथ है, और ये भी 16 GB वीरैम के साथ है, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 55,500 का। इसके बाद है सफायर का नाइट्रो एडिशन जो 16 GB वीरैम है 7900 GR, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 59,000 का। अभी इसके बाद जो हमारा है जो 7900 XT है जो 20 GB वीरैम के साथ है, आसूस का टफ गेमिंग आएगा जो 3 फैन OC एडिशन के साथ है, इसकी प्राइस की बात करूँ ये आपको जाएगा 69,000 विद GST के साथ। और इसके बाद जो लास्ट हमारा है
7900 XTX मॉडल है जो 24GB VRAM के साथ है, सफायर का पल्स एडिशन है और इसकी प्राइस की बात करूँ ये जाएगा आपको 1,05,000 विद GST के साथ। ओके और खुश भाई ये सारे कार्ड्स हो गए AMD के और ये तो अपनी सिंगल सिंगल बताए, सिंगल सिंगल कार्ड्स के प्राइसिंग बताए, किसी को अगर PC बिल्ड करना रहेगा तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मिल सकता है? वो परसेंटेज पे नहीं रहता है, वो डिपेंड अभी किसको 3000 कम होगा, जैसा बिल्ड अभी आप नॉर्मल PC के साथ जाओगे तो कंप्लीट PC के साथ जाओगे तो आपको 500,000 रुपया एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड में कम मिलेगा, अगर आप गेमिंग लेते हो तो 3-4 हज़ार का भी डिफरेंस मिल जाएगा पर्टिकुलर ग्राफिक में जो मैंने प्राइस बताया उससे। ओके थैंक यू सो मच खुश भाई। और गाइज ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग AMD ग्राफिक कार्ड्स, आई होप कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू माय, बाय बाय।